हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फाइव कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस नए व्लॉग के नए सफ़र में। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि फाइव कलर्स ऑफ ट्रैवल की टीम निकली है तीर्थन वैली गुशियाने को एक्सप्लोर करने। जी हाँ, कुल्लू के बिल्कुल पास में स्थित यह तीर्थन वैली जो बेहद ही खूबसूरत जगह है। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया दिल्ली से गुशियाने तक का पूरा रोड मैप और वहाँ के फेमस छुई वाटरफॉल और उसकी ट्रैकिंग के बारे में। तीर्थन वैली के इसी सफ़र में आज हम आपको बताने वाले हैं गुशियाने की खूबसूरत सुबह के बारे में, जिसके लिए हम तकरीबन 6 बजे जल्दी उठ गए थे और आधे घंटे में तैयार होकर हम तीर्थ नदी के किनारे पहुंच चुके थे। अभी महज कुछ कदम ही चले थे कि सामने नदी पर एक सुंदर सा पुल बना दिखाई दिया। पुल के दोनों ओर खूबसूरत पहाड़, ठीक सामने से नदी बह रही थी। मानो कह रही हो कि इससे खूबसूरत नज़ारे सुबह के आप क्या ही देखेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम निकले हैं अपने होम स्टे से और जस्ट 20 कदम की डिस्टेंस पर ही हमने सोचा कि सुबह सुबह का नज़ारा लिया जाए। और 20 कदम चलते ही हमें ये पुल दिखाई दिया और हम लोग यहाँ रुक गए और मैंने सोचा कुछ फ़ोटो क्लिक कर लूँ मैं सुबह सुबह की। और पहाड़ों की सुबह जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत खूबसूरत होती है। अब हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं और उसके सामने, होम स्टे के सामने ये नदी बह रही है, तो एक तरह से ये अद्भुत नज़ारा है। और हमने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत सी सुबह के नज़ारे आपको भी दिखाए जाए। दोस्तों, यूँ तो कोई भी यात्रा देखा जाए तो मेंटली रिपेयरिंग का काम करती है, लेकिन कई बार हमें नेचर के ऐसे अद्भुत मंजर दिखाई देते हैं कि हमारा सारा व्यक्तित्व सजदे में झुक जाता है। बस ऐसी ही सुबह थी ये, और इस सुबह का आनंद लेने, इस सनराइज़ को देखने के लिए नदी किनारे पहुँचे हुए थे बहुत सारे टूरिस्ट। हम रास्ते में झूमते गाते, सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते नदी किनारे पहुंचे। नदी, बड़े बड़े पत्थर, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने सूरज की सुनहरी किरणें जो पड़ रही थी, आपको एक बार तो ऐसा फील कराएंगे कि जैसे जो आपका गुशियाने और तीर्थन वैली में आने का जो सिलेक्शन था वो शानदार था। मतलब एक बार के लिए भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने यहाँ आकर रत्ती भर भी गलती कर दी हो। अप्रैल के महीने में भी तीर्थन वैली में लगभग जनवरी जैसी ठंड महसूस हो रही थी,
नदी का पानी इतना ठंडा था कि उसे ठीक से छुआ भी नहीं जा रहा था। सुबह जल्दी उठने का हमारा यह डिसीजन हमारे तीर्थन वैली के सफर का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट बना गया। हमने करीब एक घंटा बैठकर खिलती मुस्कुराती सुबह का आनंद लिया। उसके बाद हम निकल पड़े गुशिनी गांव की ओर। थोड़ी दूर जाने पर हमें एक फिश कैंप दिखाई दिया जो कि हिमाचल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार चलाया जा रहा था। यहाँ बेसिकली जब हमने वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं, मतलब कि यहाँ मछलियों का प्रोडक्शन होता है। यहाँ मछलियों का एक नया बीज तैयार किया जाता है जिसमें मछलियों को बड़ा किया जाता है और उसके बाद उनको बड़ा करने के बाद सेल कर दिया जाता है। हमने वहाँ कुछ समय बिताया और तालाब में हमें अनगिनत मछलियाँ दिखाई दी। सच में सुबह सड़क के किनारे जो ये फिश कैंप था, इसने हमारी सुबह को और शानदार कर दिया। इसके बाद तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हमें एक पुराना राम मंदिर दिखाई दिया। पहाड़ी के नीचे बने हुए इस राम मंदिर का जब हमने दीदार करने का विचार हमारे दिल में आया तो हम मंदिर की तरफ बढ़ चले। सबसे पहले हमें वहाँ एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी जो मंदिर की देखरेख कर रही थी। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वे पिछले 25 सालों से इस मंदिर में सेवा कर रही है। हमने उनसे बहुत सारी बातचीत की, मंदिर के कुछ पुराने किस्सों के बारे में उन्होंने हमें बताया और ये बातचीत का सिलसिला थोड़ा लंबा चला। वैकुंठ धाम चले गए। अच्छा, जब इनका 20-22 साल का उम्र था, हाँ जी, उस टाइम में हमारे इधर भ्रमण करते थे। जी जी जी। फिर इस जगह पर बैठ गए। ये हमारा, अच्छा, ये आपका है। अरे, मतलब इसको, इस मंदिर को यहाँ तकरीबन 40-50 साल हो गए होंगे। 70-75 साल हो गए। अच्छा, गुरु ये, अच्छा, रामनवमी को यहाँ कार्यक्रम होता है। रामनवमी को होता है, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आसपास के लोग आते हैं को होता है। अच्छा, अच्छा। पाठ रखते थे ना। अच्छा अच्छा। इस बार मेरा तबीयत ठीक नहीं था। जी, ओके, ओके, ओके। तो रामायण का पाठ नहीं कर सके। रामनवमी के दिन हमने भंडारा दिया, कन्या पूजन किया, हवन किया। हमारे गुरु महाराज अभी बुढ़ापा हुआ था इनका। जी, ओके, ओके, ओके। 75 साल की उम्र। बूढ़ी अम्मा से बातचीत करने के बाद और प्रसाद लेने के बाद हमने उनसे विदा ली और हम वापस लौट चले अपने होम स्टे की ओर। कुछ कदम चले थे कि रास्ते में हमें हिमाचल एथनिक चीज़ों का एक स्टोर दिखाई दिया जहां हिमाचली टोपी, कपड़े, शॉल, क्रोकरी, फुटवियर, बुक्स और कई अन्य यूनिक सी चीज़ें आपको वहां आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप तीर्थन वैली घूमने जा रहे हैं या आए हैं तो आप यहां से अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें अवश्य ले जा सकते हैं।
हमें सड़क के किनारे पर एक खेत दिखाई दिया जिसमें एक महिला मटर की छटाई कर रही थी। हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने हमें मटर खाने के लिए भी दी। वो मटर इतनी मीठी और स्वादिष्ट थी कि हमने उन्हें कहा कि आप हमारे लिए 5-6 किलो मटर पैक कर दीजिए। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपने जो खेती करने के स्टाइल हैं और किस तरह वो यहाँ खेतों में ये मटर जैसी फसलों की पैदावार करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद हम वापस लौट चले अपने होम स्टे की ओर, जहाँ जाकर हमने सबसे पहले सुबह की चाय को एंजॉय किया। वास्तव में पहाड़ों के किनारे बालकनी में बैठकर चाय पीना सच में आपको तमाम उम्र याद रहेगा। ये वो पल होते हैं हमारी ज़िंदगी के जब हम उस चाय के साथ अपनी सारी ज़िंदगी को जी लेते हैं। सामने पहाड़, नदी और एक ऐसा मौसम जो आपके अंदर एक नई रवानगी भर देगा। सीरियसली, सच में ये लम्हे, ये मंजर हमें तमाम उम्र याद रहते हैं। बालकनी से इस खूबसूरत सुबह का आनंद लेने के बाद हमारा नाश्ता तैयार था, फटाफट नाश्ता किया और हम निकल पड़े वापस दिल्ली की ओर। तीर्थन वैली और गुछेनी के इस शानदार सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं 5 Colors of Travel के किसी नए व्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।